नमस्ते दोस्तों, जयास किचन में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए घर की जो बची हुई रोटियां होती है उनसे हम कैसे स्वादिष्ट नाश्ता तैयार करेंगे उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। तो कैसे बनती है बची हुई रोटियों का नाश्ता, देखिए। दोस्तों, आज हम सुबह की रोटी शाम को कैसे यूज करनी है और शाम की रोटी सुबह कैसे यूज करनी है और उसका कैसे टेस्टी नाश्ता बनाना है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये मैंने रात की रोटियाँ ली है जो हमारे बच गई है, तो इसी से मैं नाश्ता बनाऊंगी। उसके लिए मैंने एक कटोरी बेसन लिया है लगभग 200 ग्राम, एक चम्मच नमक लिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, एक चम्मच मैंने मिर्च पाउडर लिया है और एक चम्मच मैंने जीरा लिया है। सब्जियों में मैंने 2 बारीक कटी मिर्च ली है और 2 बारीक कटे प्याज लिए हैं। तो सबसे पहले मैं बेसन को पानी के साथ और मसालों के साथ इसका बैटर तैयार करूंगी। पहले हम मसालों के साथ इसे अच्छे से बेसन में मिक्स कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे ताकि इसमें गुठलियां नहीं पड़े, इस तरीके से। एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालें, कम पानी में ही इसे अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद थोड़ा सा पानी बैटर में और डालेंगे और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। एक दो मिनट तक हमें इसे अच्छे से फेंटना है। अब हम इसके अंदर मिर्ची और प्याज को भी ऐड कर देंगे। ये हमारा बैटर तैयार हो गया है जिसे हम रोटी पर लगाएंगे। दोस्तों, इस बैटर को हम एक रोटी लेंगे और उसके ऊपर इस तरीके से अच्छे से लगा देंगे। जैसे कि हम सैंडविच के ऊपर बटर लगाते हैं, वैसे ही हमें रोटी के ऊपर इस बेसन के बैटर को अच्छे से लगाना है। तवा हमने गैस पर हाई फ्लेम पर रखा हुआ है ताकि हमारा तवा गर्म हो जाए। तवा हमने गरम कर लिया है, इस पर अब हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे ताकि जो ये रोटी हम इस पर डालेंगे वो चिपके नहीं। तवे पे दोस्तों हमने थोड़ा तेल लगा दिया है। अब हम बेसन लगी रोटी को इस पर उल्टा रख देंगे। गैस मैंने मीडियम लो फ्लेम पर रखा है, एकदम से हमें हाई फ्लेम पर नहीं रखना है, नहीं तो ब्लैक स्पॉट बन जाएंगे बेसन पे। और थोड़ा सा तेल हम रोटी के ऊपर भी लगा देंगे। बीस से तीस सेकेंड दोस्तों हमें इसे इसी तरीके से सिकने देना है। उसके बाद हम खुरपी से इस तरीके से रोटी को वापस पलट देंगे। ये देखिए, नीचे हमने तेल इसीलिए लगाया था कि ये रोटी हमारी बेसन के साथ तवे पर चिपके नहीं। तो ये देखिए, बिल्कुल भी नहीं चिपकी है और रोटी हमारी अच्छे से देखिए बेसन के साथ सिक रही है। तो अब हमें दूसरी तरफ से भी 20 से 30 सेकेंड हमें सेकनी है। एक बार हम इसे वापस से पलटेंगे और अच्छे से प्रेस करके बेसन की तरफ से सेक लेंगे ताकि बेसन जो है अंदर से बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहे। तो 10 से 15 सेकेंड हमें इसे इस तरीके से सेकना है। इस तरफ से देखिए दोस्तों, हमारी रोटी अच्छे से सिक गई है, ब्राउन स्पॉट है, ब्लैक नहीं हुआ है। ज़्यादा अगर आप हाई फ्लेम रखेंगे तो रोटी जल जाएगी। तो
तो ये देखिए बेसन के साथ हमने रोटी तैयार कर ली है। इसे अब हम तवे पर से प्लेट में ले लेंगे। इसी तरीके से हम सारी रोटियां तैयार कर लेंगे। दोस्तों ये देखिए हमने बची हुई रोटी से कितना बढ़िया नाश्ता बनाया है, जो खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप डाल सकते हैं। इसे आप सॉस के साथ सर्व कीजिए, खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। आप कोई भी चटनी भी इसके साथ खा सकते हैं। तो आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी दोस्तों, अपना कमेंट मुझे ज़रूर भेजें। देखा दोस्तों, हमने रात की बची हुई रोटियों से सुबह कैसे नाश्ता तैयार किया है, जो कि घर में सभी को बहुत अच्छा लगेगा। तो आप इसे जरूर बनाकर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और रेसिपी सीखने के लिए दोस्तों प्लीज प्लीज वीडियो कंप्लीट देखिए। थैंक यू।